हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इन दिस टॉपिक वी डिस्कस हाउ क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम इनहेरिटेंस या टू इनहेरिटेंस। Means chromosome are responsible for transfers of characters from one generation to next generation. In this topic we discuss after publication of work of inheritance on inheritance in 1865, but it remained unrecognized till 1900 due to several reasons. Mendel published the work on inheritance in 1865, but it remained unrecognized till 1900 due to several reasons. मेंडल ने अपने वंशागति के जो प्रयोग था, इनहेरिटेंस का जो एक्सपेरिमेंट था, वर्क था, उसको 1865 में पब्लिश कर दिया, लेकिन 1900 तक वह अनपब्लिश्ड रहा, अनरिकॉग्नाइज रहा, उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। तो क्यों अनरिकॉग्नाइज रहा, क्यों नहीं उन पर ध्यान दिया गया? तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है कि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, सो हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड। उस समय कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं था, इसलिए उनका जो पब्लिकेशन था, वो उनका जो पेपर पब्लिकेशन था, वो ज़्यादा स्प्रेडिंग नहीं हुआ उनका, ठीक ना। दूसरा क्या था कि जो मेंडल फैक्टर होते हैं या जो जीन होते हैं, वो बोले थे मेंडल कि जो जीन या जो फैक्टर होते हैं उसके एलिल्स आपस में ब्लेंड नहीं करते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं किए। वो क्यों नहीं एक्सेप्ट किए? क्योंकि वो देख रहे थे नेचर में जो कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रहा था, उसको देख रहे थे ना। द मेंडेलियन फैक्टर्स यानी द जीन्स द पेयर ऑफ एलिल्स विच डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई हिज कंटेम्पररीज, माने उनके जो समकालिक, कंटेम्पररीज का मतलब होता है समकालिक जो वैज्ञानिक होते हैं, उनको ये एक्सेप्ट नहीं था, क्योंकि वो कंटिन्यूस वेरिएशन सोच कर रहे थे, नेचर में देख रहे थे, और ये बोले कि अगर लंबा है और नाटा है, दोनों को क्रॉस कराया जाए, टॉल और डॉर्फ को, तो उसका जो जनरेशन होगा या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा, बीच वाला नहीं होगा। इसके एक्सेप्शंस में हम लोग देखे हैं कि रेड और वाइट कलर के जो स्नैप ड्रैगन एंटीरिनम होते हैं फ्लावर, उसको क्रॉस कराने के बाद उसका जो जनरेशन होता है वह पिंक कलर का हो जाता है, F1, यानी ब्लेंड कर गया उसके दोनों एल, लेकिन मेंडल कहे कि ब्लेंड नहीं करता है। तो दूसरा कारण ये हो गया। थर्ड कारण था कि मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर बायोलॉजिकल फेनोमेना, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर बायोलॉजिकल फेनोमेना वाज टोटली न्यू, ये नया था, और नया होने के कारण कि लोग समझे कि ये बायोलॉजी में मैथमेटिक्स कैसे आ गया, एंड अनएक्सेप्टेबल बाय मेनी बायोलॉजिस्ट, और बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को ये अच्छा नहीं लगा कि ये बायोलॉजी में मैथ कैसे आ गया, उनको समझ में ही नहीं आया। फोर्थ क्या है कि मेंडल ये नहीं बता पाए, मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, जो फैक्टर होते हैं जिसको मेंडेलियन फैक्टर, जीन को ही मेंडेलियन फैक्टर कहा जाता है, तो मेंडल कोई प्रूफ नहीं दे पाए, फिजिकल प्रूफ इसके जीन के बारे में कि वह कहाँ रहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, वो जो जीन है वो कहाँ रहता है, और वो ये नहीं कह पाए कि वो किस चीज़ से बना होता है ना। एनी फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर और से दे
व्हाट दे वेयर मेड ऑफ, यानी वह किस चीज़ से बना होता है, ये नहीं दे पाए, जिसके कारण इनके जो वर्क था उनको अनरिकॉग्नाइज ही रखा गया। इसके बाद मेंडल, चूंकि ये मेंडल बोले थे क्या कि पेरेंट्स में कोई फैक्टर होता है जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, लेकिन उसके लिए बता नहीं पाए कि वो फैक्टर क्या होता है, कोई प्रूफ नहीं दे पाए कि वो कहाँ रहता है, वो किस चीज़ से बना होता है, इसी कारण से ये दबा हुआ रहा। उसके बाद क्या है, प्री ऑक्यूपेशन ऑफ साइंटिफिक वर्ल्ड इन द इन डार्विन्स थ्योरी नेचुरल सेलेक्शन, अति व्यस्तता, प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है अति व्यस्तता ऑफ साइंटिफिक वर्ल्ड, जितने भी साइंटिस्ट थे उसी समय नेचुरल सेलेक्शन थ्योरी में अपना समय देने लगे, क्योंकि डार्विन ने भी अपना थ्योरी उसी समय में दिया और सारा समय साइंटिस्ट का उसी थ्योरी में लग गया देखने में कि क्या है ये नया चीज़। इसलिए ये मेंडल का जो वर्क था, वर्क ऑन इनहेरिटेंस, वह 1900 तक क्या रहा, अनरिकॉग्नाइज रहा। उसके बाद अलग इसमें देखेंगे कि 1900 के बाद अब कैसे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल्स का जो प्रिंसिपल्स है उन दोनों को रिलेशन दिया गया, और रिलेशन दे करके इनके मेंडल का जो वर्क है इसको अप्रूव्ड किया गया, और अप्रूव्ड करने के बाद मेंडल्स प्रिंसिपल दिया गया। तो उन सभी बातों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। Now we are going to discuss rediscovery of Mendel's work. Mendel के जो work थे 1900 तक unrecognized होने के बाद तीन scientist हैं, De Vries, Correns and von Zermak। ये तीनों क्या किए कि independently एक्सपेरिमेंट किए, मेंडल के जो वर्क किए थे उसी पर, और उसी पर करने के बाद रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, और उस पर अपना प्रयोग करके और मेंडल का जो वर्क था उसको अप्रूव्ड किया गया। ये क्यों संभव हुआ, मेंडल के समय में संभव क्यों नहीं था, और उतने साल के बाद ये संभव क्यों हुआ, तो इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी, यानी उस समय माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो चुका था और उसमें माइक्रोस्कोपिक में एडवांसमेंट स्टेज आ गया था, और जिसके कारण साइंटिस्ट क्या है केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन को ऑब्जर्व कर रहे थे उस समय तक। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल ऑब्जर्व कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियस ऑब्जर्व कर रहे थे, ए स्ट्रक्चर, ए न्यू स्ट्रक्चर आर सीन अंडर माइक्रोस्कोप विच आर डार्क स्टेनिंग इन कलर कॉल्ड क्रोमोजोम आर ऑल्सो विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स भी दिखाई दे रहा था, और वो दिखाई होने देने के अलावा वो क्या कर रहा था कि डबल हो जा रहा था, सेल डिवीजन होने के पहले उसका अमाउंट जो था वो डबल हो जा रहा था। तो ये सब जो है इसमें हेल्प किया माइक्रोस्कोपी डेवलप होने से, एडवांसमेंट होने से, ये सारे जो केयरफुली उनको ऑब्जर्व किया गया। अब इसमें जो देखना है कि आप सेल साइकिल पढ़े हैं कि किस तरह से इंटरफेज और माइटोसिस फेज में डीएनए की संख्या डबल हो जाती है। अब उसमें आप देखे हैं कि जैसे इंटरफेज आई फेज जो होता है, आई फेज में तीन स्टेज आते हैं, एक है G1, एक G0 होता है, तो उससे अभी नहीं लेना है, उसके बाद S आता है, और इसके बाद क्या आता है G2 आता है, G2 फेज आता है। अब G1 है तो G1 में यहाँ पर क्या है कि जैसे ये सेल है छोटा है, इसमें आपको क्या है कि जो डीएनए का
सॉरी नंबर ऑफ क्रोमोजोम 2n है और इसके अंदर जो डीएनए है वह 2c है, डीएनए का अमाउंट 2c को डिनोट करने के लिए दिया गया है। अब क्या होगा, इस फेज में जब आएगा, इंटरफेज में सेल क्या करता है, रेस्ट करता है। एस फेज में आता है तो एस फेज में अब इसके अंदर सेल के अंदर थोड़ा सा इसका साइज बढ़ेगा, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये हो गया, क्या क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया और ये क्या हो गया अमाउंट ऑफ, ये हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और ये हो गया अमाउंट ऑफ डीएनए। तो 2c हो गया अमाउंट ऑफ डीएनए, 2n हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। इस फेज में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n रह जाता है और इसका अमाउंट क्या हो जाता है, 4c हो जाता है, जस्ट डबल। वही यहाँ पर कर रहा है कि जो क्रोमोसोम डबल हो जाता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होता है, उसके जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो डबल होते हैं, संख्या उतना ही रहता है और उस पर पाए जाने वाले जो डीएनए होते हैं वही डबल हो जाते हैं। और जी टू में क्या है कि इसका सेल का साइज और बड़ा हो जाता है मैक्सिमम साइज पर और अमाउंट उतना ही रहता है, 2n और 4c रहता है। उसके बाद ये क्या है, दूसरा स्टेप में जाता है जिसको एम फेज कहते हैं। तो एम फेज में आपको डिफरेंट स्टेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, वो सब पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि ये जो सेल होते हैं यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होने के बाद ये दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया और यहाँ पर ये दोनों में 2n 2c, इसमें भी 2n 2c हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहा लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए इसमें डिवाइड हो गया, देख रहे हैं। तो इस तरह से इस रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क में यही होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए आर डबल एंड डबल बिफोर क्या बिफोर सेल डिवीजन, ये इस तरह से होता है, ठीक ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1900 के बाद फिर 1902 में 1902 में दो साइंटिस्ट आए, वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोभेरी, ये दो साइंटिस्ट आए और इन्होंने क्रोमोसोम के बिहेवियर को और जीन के बिहेवियर को स्टडी किया माइक्रोस्कोप में, और वह जो है मियोसिस के समय उसको स्टडी किया कि किस तरह से क्रोमोसोम्स अपने अपने जीन को लेकर के या जीन को एक्सचेंज करके और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब कि गैमिट में चले जाते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते हैं। तो वाल्टर सटन और थियोडोर बोभेरी जो है वे अपना एक एनिमल, अलग अलग सेपरेटली एनिमल का चुनाव किए। वाल्टर सटन का जो एनिमल था वो ग्रास हॉपर है और थियोडोर बोभेरी का है सी अर्चिन्स। तो ये सेपरेटली अलग अलग इन्होंने क्या किया कि अपना अपना एनिमल का चुनाव किया और इस एनिमल में इसके टेस्टिस में जो गैमिट्स बनते हैं उस गैमिट्स के फॉर्मेशन को इन्होंने देखा, उसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया मियोसिस में, क्योंकि गैमिट में ही मियोसिस होगा, और उसी में ये देखे कि किस तरह से क्रोमोसोम और जीन बिहेवियर, दोनों का बिहेवियर सेम होता है और किस तरह से वह डिवाइड होते हैं एनाफेज में, एनाफेज फर्स्ट में और एनाफेज सेकेंड में वो किस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है और एनाफेज सेकेंड में क्रोमोसोम डिवाइड होता है। जैसे अब इसमें है कि इनके बिहेवियर को देखा, बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, यानी ये दोनों साइंटिस्ट मिल करके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं, लेकिन उसके पहले एक्सपेरिमेंट किया। थ्योरी कब देता है कोई, जब एक्सपेरिमेंट करता है तब उससे थ्योरी निकलता है या प्रिंसिपल्स निकलते हैं। तो
एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम मूवमेंट कर रहा है, और मूवमेंट कर रहा है तो जीन भी मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि जीन कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम बने किस चीज़ से होते हैं, तो डीएनए से बने होते हैं, पहले भी देख चुके हैं इसको पिछले अध्याय में, पिछले चैप्टर में। और जीन डीएनए का सेगमेंट होता है, जो कैरेक्टर कंट्रोलिंग फैक्टर भी इसको कहा जाता है जीन को, या इसी को मेंडेलियन फैक्टर भी कहा जाता है जीन को। अब देखिए एनसीईआरटी बुक में कंपैरिजन किया हुआ है, कंपैरिजन बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ए और बी करके, पहला है ऑकर्स इन पेयर्स, ये जो दोनों क्रोमोसोम है किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, यह जो क्रोमोसोम होते हैं इसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको होमोलोगस क्रोमोसोम, कि एक क्रोमोसोम उसके मैटर्नल होता है और एक पैटर्नल होता है, यानी एक उसके मदर से आता है और एक फादर से आता है। दोनों क्रोमोसोम में सेम कैरेक्टर पाए जाते हैं, सेम कैरेक्टर यानी सेम जीन पाया जाता है, सेम एलील पाया जाता है, या तो वो एलील होमोजाइगस हो सकता है या हेट्रोजाइगस भी, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया हेट्रोजाइगस। तो इसी पोजीशन पर ये सब एलील पाए जाते हैं जो जीन का, यहाँ पर तो यहाँ पर ये जीन हो गया, यहाँ पर इसका जीन हो गया। तो किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो पेयर में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। उसी तरह से ये भी देख रहे हैं कि जीन भी क्या होते हैं, जोड़े में रहते हैं। जीन का ये एलील हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। सेकेंड पॉइंट में कहता है कि सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, जब गैमिट फॉर्मेशन होने लगता है, जब मियोसिस होने लगता है, तो ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे मानिए कि एक सेल में हम ही लोगों का जो सेल है उसमें 23 पेयर क्रोमोसोम होगा, अभी तो दो बनाए हैं, 46 होगा, 46 क्रोमोसोम होगा। तो 46 में 23 मेल यानी फादर से आया होगा और 23 मदर से आया होगा। जब हम लोगों में गैमिट बनेगा तो उसमें क्या हो जाएंगे कि ये सेपरेट हो जाएंगे, एनाफेज सेकेंड में ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट होने के पहले क्या होते हैं कि प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम का जो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, मियोसिस में याद करिए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, वो अपने अपने जीन का एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो जीन के एक्सचेंज करने के बाद वो अलग हो जाते हैं। ये जीन का एक्सचेंज क्यों हुआ है, तो ये इसलिए हुआ है कि वेरिएशन करने के लिए। अगर जीन का एक्सचेंज नहीं होगा तो हूबहू उसके फादर और मदर के जैसा सारा करेक्टर बच्चे में चला जाएगा, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पर इस यही देख रहा है कि यह जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे 23 पेयर्स, तो 23 इसमें आ जाएगा, 23 इसमें आ जाएगा, माने अलग अलग हो जाएंगे। सेल अलग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है मियोसिस फर्स्ट में। उसके बाद फिर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, अब यह भी डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद ये अलग गैमिट में चला गया, ये करेक्टर जो है अलग गैमिट में चला गया, ये करेक्टर इसमें चला गया, ये करेक्टर इसमें चला गया। तो जो गैमिट्स बना यानी जो इंडिपेंडेंट पेयर्स होते हैं वह सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट पेयर में मान लिया कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, जैसे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया, ये इसमें जो है कैपिटल आर स्मॉल वाई यानी मिक्स हो गया, इसका कैरेक्टर इसमें चला आया, इसका स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जीन को दर्शा रहा है टेबल। इसमें भी देख रहे हैं कि जब ये एलील गैमिट बनता है तो कैपिटल टी एक में गैमिट में चला गया, ये दूसरा कैपिटल टी दूसरे गैमिट में चला गया। उसी तरह से वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मेंडल के इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स में हम लोग देखे हैं कि किस तरह से दोनों कैरेक्टर जैसे राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन सीड के को जब क्रॉस कराया जाता है प्लांट को, तो उसमें चार तरह के गैमिट्स बनते हैं।
यानी उसके जो जीन होते हैं करेक्टर का, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं, जुड़े हुए नहीं रह सकते हैं। अब जैसे ये राउंड और येल्लो हो गया एक तरह का गैमिट, सेकेंड हो जाएगा राउंड और ग्रीन हो जाएगा, है ना, तो उसका करेक्टर रिसेसिव वाला करेक्टर इसमें आ गया। ये हो गया रिंकल्ड येल्लो हो गया, तो एक यहाँ पर रिसेसिव और एक डोमिनेंट हो गया उस प्लांट में, सीड में, और एक तरह का गैमिट ये बन गया रिंकल्ड और ग्रीन। तो ये इसमें कहता है कि जीन और क्रोमोजोम का बिहेवियर सेम होता है, वो भी जोड़े में पाए जाते हैं, ये भी पेयर में पाए जाते हैं। ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं वो सेपरेटली अलग होते हैं, अलग हो जाते हैं गैमिट फॉर्मेशन के समय, एनाफेज में ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये भी गैमिट में अलग हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो क्रोमोजोम है ये भी इंडिपेंडेंट फ्री हो जाते हैं, और इनके भी जो हैं जो दो जीन है अगर आपस में एक साथ है किसी पेरेंट में, तो हो सकता है अगले जनरेशन में वो उसका साथ छोड़ दे। जैसे गोल और पीला है तो यहाँ गोल और हरा भी तो हो गया, राउंड और ग्रीन हो गया, अगर नहीं ये इंडिपेंडेंट होता तो उसी तरह से रहता। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो दिखाया गया है कि क्रोमोजोम मैंने ये क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल का जो प्रिंसिपल है उसमें क्या डिफरेंसेस दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर तीन डायग्राम इसका है, इसको खड़ा करके देख लीजिए। फर्स्ट डायग्राम में वही दिखाया जा रहा है कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं, यहाँ पर क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में वही बताया जा रहा है, क्रोमोजोम पेयर में होते हैं, और मेंडल्स का भी है वही चीज़ है कि जो फैक्टर होते हैं वो भी पेयर में होते हैं। सेकेंड डायग्राम में भी देखिए कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं गैमिट फॉर्मेशन यानी क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में देख रहे हैं, पॉइंट में दिया हुआ है कि क्रोमोजोम अलग हो जा रहे हैं, सेग्रीगेट हो जा रहे हैं। और उसमें भी देखिए मेंडल्स वाले में बोले हैं कि जो उसके फैक्टर होते हैं, जो मेंडेलियन फैक्टर या जो जीन होते हैं उसके एलील भी सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ठीक, इस डायग्राम में देखिए, इसमें भी थर्ड डायग्राम में भी यही कह रहा है कि जो पेयर्स होते हैं जीन का क्रोमोजोम में, वो भी क्या होते हैं इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग अपने करेक्टर को लेकर के एक्सचेंज करके वो अलग अलग हो जा रहे हैं। और इसमें भी आप देख रहे हैं मेंडल्स वाले में भी दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसमें आपको उसी तरह से देख रहे हैं कि वो भी जीन का एलील एक्सचेंज कर रहा है, एक्सचेंज करने के बाद अलग अलग तरह का गैमिट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, अब हम लोग आगे का देखते हैं कि कैसे मियोसिस में जो एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड होता है उसमें कैसे क्रोमोजोम अलग होते हैं और क्रोमोजोम का डिवीजन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड में क्रोमोजोम का सेपरेशन और डिवीजन होता है, जिसको अब जैसे कि एनाफेज सेकेंड फर्स्ट में क्या होता है सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, तो यहाँ पर ये एक पेरेंटल और होमोलोगस क्रोमोजोम है, होमोलोगस क्रोमोजोम है ये सेल में। अब क्या हो जाएगा एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में क्या हो जाएंगे कि ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे इस तरह से, और सेपरेट होने के बाद, सेपरेट होने के पहले ये क्या करते हैं एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोम करते हैं, एक दूसरे से कैरेक्टर का एक्सचेंज कर लेते हैं। ये मैटरनल और पैटर्नल है, एक फादर से और एक मदर से आया है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि ये सेपरेशन के पहले, यहाँ पर क्या हो रहा है सेपरेशन
सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम्स हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोजोम, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स हो रहा है। तो यहाँ ये देख लीजिए, ये इसका करैक्टर इसके साथ जुड़ गया है और इसका करैक्टर इसके साथ जुड़ गया है। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर सेपरेशन हो गया एनाफेज फर्स्ट में, मैंने ये मियोसिस फर्स्ट में हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हाफ हो गया। उसके बाद क्या होता है कि एनाफेज सेकेंड में, एनाफेज सेकेंड में क्या होते हैं, डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, यानी जस्ट लाइक माइटोसिस, जस्ट लाइक माइटोसिस होता है। और माइटोसिस होने के बाद ये अलग अलग गैमेट का, ये गैमेट्स बन गया, क्योंकि मियोसिस में क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, गैमेट फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ये डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाएगा, जैसे एक क्रोमोजोम में इस तरह का कैरेक्टर चला जाएगा, एक वाले में ये हाइब्रिड कैरेक्टर चला जाएगा, एक में देख रहे हैं ये हाइब्रिड कैरेक्टर जा रहा है, उसके बाद थर्ड वाले में यहाँ पर ये कैरेक्टर है, उसके बाद इसमें देख रहे हैं कि अलग कैरेक्टर पास हो रहा है इसके जैसा। तो यहाँ पर एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड में ये क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोजोम्स कहलाए, होमोलोगस क्रोमोजोम कहलाए, और ये कहाँ हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट, सॉरी मियोसिस में हो रहा है। तो मियोसिस फर्स्ट में यहाँ पर एनाफेज फर्स्ट में इस तरह से अलग हो रहे हैं, और इसमें एनाफेज सेकेंड में ये भी अलग हो रहा है। अब देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, दो डायग्राम है एनाफेज को दिखाने के लिए कि किस तरह से कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है 5.8, तो 5.8 में कह रहा है कि एक सेल है और एक सेल के ऊपर लिखा हुआ है जीवन। जीवन में क्या है कि क्रोमोजोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 2n होता है और अमाउंट ऑफ डीएनए 2c होता है, सॉरी 2c होता है। एस फेज बीच में है, तो भी एस फेज नहीं दिया है, पहले हम बता चुके हैं इसमें। उसके बाद G2 देख रहे हैं, G2 में आपको क्या हो रहा है कि क्रोमोजोम्स उतना ही है, संख्या उतना ही है, केवल अमाउंट ऑफ डीएनए 4c हो गया है। उसके बाद मियोसिस में जाएंगे, एनाफेज फर्स्ट में देखिएगा कि वहाँ पर ये क्रोमोजोम्स और उसके जो जीन होते हैं वो अलग अलग हो रहे हैं, और अलग अलग होने के बाद मैंने एनाफेज में अभी अलग नहीं हुए हैं, दोनों अभी अटैच हैं, एक्सचेंज कर लिया है क्रोमोजोम का। फिर मियोसिस सेकेंड के, मैंने एनाफेज सेकेंड में देखिए कि वो अलग हो रहे हैं, और अंत में जा कर के जर्म सेल का मतलब गैमिट हो गया। गैमिट में देख रहे हैं कि सारे क्रोमोजोम्स क्या हो रहे हैं कि उनका डिवीजन हो गया है क्रोमेटिड्स में। आइना फेज फर्स्ट में क्या हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है ऑफ क्रोमोजोम्स। तो इसमें आपने क्या देखा कि हाउ क्रोमोजोम्स सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड, यानी किस तरह से क्रोमोजोम्स अलग हो रहा है जब जर्म सेल बन रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट डायग्राम एक और है, इसमें आप देखेंगे फिगर है 5.9, इसमें है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोजोम दिखाने के लिए ये बताया गया है डायग्राम। इस डायग्राम में कह रहा है कि दो पॉसिबिलिटीज यहाँ दिखाई दे रहा है, एक में लिखा हुआ है वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोजोम इसके साथ है, और दूसरा है लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोजोम एट द सेम पोल। ठीक, उसी में देख रहे हैं कि ये मियोसिस फर्स्ट में ऐसा हो रहा है,
उसके बाद जब मियोसिस सेकेंड होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे और अंत में जाकर के एनाफेज के बाद देख रहे हैं जर्म सेल दोनों कैरेक्टर को अपना आपस में लेकर के चले गए, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। जो जिस जीन में वो कलर था, जिस कलर का, जैसे लॉन्ग येलो ऑरेंज था और ग्रीन था, ऑरेंज और ग्रीन देखिए एक साथ चला आया एक गैमिट में, और येलो और रेड जो है दूसरे में चला आया है, दो दो है, यानी इसमें किसी तरह का चेंजेज नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी टू में देखिए इसमें है लॉन्ग ऑरेंज लॉन्ग ऑरेंज और रेड को एक साथ कर दिया है जीन में, और दूसरा है येलो और ग्रीन को उसमें कर दिया है। लंबा जो जीन दिखाया गया है वह येलो है और छोटा जो है वह ग्रीन दिखाया गया है, ठीक। उसी तरह से मियोसिस सेकेंड में ये अलग अलग हो गए, और मियोसिस सेकेंड में अलग अलग होने के बाद अब जर्म सेल में जब जा रहे हैं तो वहाँ देख रहे हैं कि ये किस तरह से कैरेक्टर का एक्सचेंज कर लिया है। फर्स्ट वाले केस में से और इसमें से दोनों में अंतर हो गया। तो यही क्या है शो कर रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में शो कर रहा है, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो ये क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया सटेन और बोभेरी के द्वारा, यानी सटेन एंड बोभेरी अर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोजोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड। मतलब यह जो क्रोमोजोम्स होते हैं वह जीन के सेपरेशन और सेग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद कहता है कि यह जो सटेन का जो ये सटेन और बोभेरी का जो ये प्रिंसिपल था, ये थ्योरी था, उसमें उन्होंने मेंडल प्रिंसिपल के साथ उसको जोड़ करके और वो क्या किए कि अपना क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिए। अब नेक्स्ट में क्या देखना है कि इस क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट है, चेक करने के लिए कि यह जो मेंडल जो बोले हैं, मेंडल के बात को सटेन और बोभेरी ने प्रूफ किया कि नहीं वो सही है, और उसके बेस पर उन्होंने अपना थ्योरी दे दिया क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसी को और प्रूफ करने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया है दूसरे एनिमल पर। सटेन एंड बोभेरी क्या है कि ग्रास हॉपर और सी अर्चिन्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे इसको प्रूफ करने के लिए। इनके थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा क्या किया गया कि एक दूसरे एनिमल जिसको हम लोग ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर यानी फ्रूट फ्लाई कहते हैं, तो फ्रूट फ्लाई को उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल माना या लिया, और लेने के बाद उस पर क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूफ करने के लिए वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए उस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक बेस बना दिया। कि क्या बेस बना दिया कि थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। यानी उन्होंने आगे जो आने वाले साइंटिस्ट हैं उनके लिए एक बेस बना दिया कि जो वेरिएशन होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही संभव है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण संभव नहीं है। तो ये एक रास्ता बता दिए एक्सपेरिमेंट करके। अब उसी पर अब जो फर्दर जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वेरिएशंस का क्या है, बेस है, आधार है। तो ये जो फ्रूट फ्लाई है इसमें क्या खूबी उन्होंने देखा है ना, इन्होंने
एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, फ्रूट फ्लाई जिसको ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर कहा जाता है, फल मक्खी हिंदी में फल मक्खी कहा जाता है, और इनका जो जूलॉजिकल नाम हो गया ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, इसमें 4 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, 8 पेयर, सॉरी 4 पेयर 8 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। अब कहता है कि रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई का क्यों सिलेक्शन किया गया, तो फर्स्ट उनको दिखाई दिया कि फ्रूट फ्लाई का शॉर्ट लाइफ स्पान होता है, छोटा जीवन काल होता है, यानी यह 2 सप्ताह के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो जब लाइफ साइकिल छोटा होगा तो उसमें एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी होंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको आसानी से देख सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरह से थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई में शॉर्ट लाइफ स्पान को देखा। सेकेंड क्या था कि इसको सिंपल सिंथेटिक मीडियम में इसको ग्रो किया जा सकता है, लेबोरेटरी में भी इसको रख करके और सिंथेटिक मीडियम में भी इसको कल्चर किया जा सकता है और लेबोरेटरी में भी एक्सपेरिमेंट इसको आसानी से किया जा सकता है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा इनको सुविधा ये मिला। थर्ड क्या मिला कि एक सिंगल मेटिंग में, जो मेल और फीमेल होते हैं, एक सिंगल मेटिंग में बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स या प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं ये फ्रूट फ्लाई। तो ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा कैरेक्टर उसमें दिखाई आसानी होगा, ज़्यादा कैरेक्टर दिखाई देगा तो पता चल जाएगा कि मदर का कौन सा कैरेक्टर किस ऑफ स्प्रिंग में है, फादर का कौन सा है, हाइब्रिड कौन सा किस में है, तो उसका रेशियो निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। तो सिंगल मेटिंग में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है। फोर्थ क्या है कि इट हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ द लो पावर माइक्रोस्कोप, यानी लो पावर माइक्रोस्कोप में इसके जितने भी वेरिएशंस होते हैं, चाहे वो वाइल्ड टाइप हो या म्यूटेंट टाइप हो, वो आसानी से इसमें देखा जा सकता है उसके करेक्टर को। तो इसमें यही ना चेक करना है कि किस प्रोजेनी में वाइल्ड टाइप गया, किस में म्यूटेंट टाइप गया करेक्टर, इस तरह से होता है। उसके बाद कहता है कि मेल एंड फीमेल्स आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, आसानी से इसको मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। देखिए मेल जो है वह छोटे हैं और फीमेल बड़ी है, तो जब ऑफ स्प्रिंग्स में करेक्टर जाएगा तो करेक्टर तो एक तो पता ही चलेगा, उसके बाद वह करेक्टर मेल में गया कि फीमेल में गया ये भी आसानी से पता चल जाएगा। तो सिलेक्शन का एक भी ये कारण था, रीजन था। नेक्स्ट क्या है कि 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स आर इजीली ऑब्जर्वेबल, यानी इसमें 4 पेयर क्रोमोजोम पाए जाते हैं जिसको माइक्रोस्कोप में आसानी से देखा जा सकता है उस ऑफस्प्रिंग में जो क्रॉस कराया गया, और क्रॉस कराने के बाद जो ऑफस्प्रिंग में जाएगा क्रोमोजोम, उस क्रोमोजोम को भी उससे निकाल करके चेक किया जा सकता है कि किस तरह से वह क्रोमोजोम म्यूसिस के द्वारा पास हुआ है, गैमेट के द्वारा, गैमेट फर्टिलाइजेशन हुआ तो उस तरह पास हुआ। तो इस तरह से ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन। अब इसका यूज अगले टॉपिक में आएगा, लिंकेज में आएगा इसका यूज कि किस तरह से थॉमस हंट मॉर्गन ने वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप को क्रॉस करा करके और उसके प्रोजेनी में लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर, यानी पेरेंटल टाइप और नॉन पेरेंटल टाइप को उन्होंने देखा, जिसको लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानता। तो इस फाइनली इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा क्या कि क्रोमोजोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने में, और वो क्रोमोजोम किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पेयर में रहते हैं और गैमिट जब बनता है तो एनाफेज फर्स्ट के समय वो सारे क्रोमोजोम एक दूसरे से सेपरेट होना चाहते हैं, अभी सटे हुए रहते हैं लेकिन वो सेपरेट होना चाहते हैं, क्रोमोजोम का एक्सचेंज कर लेते हैं। और फिर जब आपको एनाफेज सेकेंड आता है तो उसमें सारे क्रोमेटिड्स अलग अलग हो करके और फाइनली
गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं और गैमेट्स में वो कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाता है, यानी कोई जीन किसी दूसरे जीन के साथ जुड़ा हुआ भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है, ठीक ना। तो जैसा उसमें रहेगा क्रोमोसोम उस पर जीन रहेंगे और इसी तरह से उसका इनहेरिटेंस होगा। तो आज इतना ही, इसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिंकेज को देखेंगे।